Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in and we are starting with exercise 6.2, question number 1. Now, find the value of the unknown exterior angle x in the following diagram. So, yahan pe aapko pas total 6 hai, maine sirf 3 draw kare hain. So, yahan pe aapko exterior angle de rakha hai x, iski aapko value फाइंड करनी है. एक्सटीरियर एंगल के साथ आपको हर जगह पे दो इंटीरियर एंगल भी गिवन है. सो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो जो अभी हमने इंट्रोडक्शन में समझी. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. नाउ प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, राइट? ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी. सो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल आपको फाइंड करना है एंगल एक्स. एंगल एक्स किसके सम के इक्वल होगा? इसके ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं? दिस वन एंड दिस वन. सो इनका सम कर देंगे हम. दैट विल बी 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री. फाइन. सो नाउ लेट्स एड दिस. 0, 0 is 0, then 7 plus 5 is 12, so the answer is 120 degree. आपको जो यहाँ पे exterior angle x given है, इसकी value क्या आई है? 120 degree. Fine. So now let's come to the next part. Next part में again आपको x find करना है. इसमें आपके पास दो जो opposite interior angles है वो given है, that is 65 and 45. Now again the same property. So now in the second part, angle x equals to 65 degree plus 45 degree. ठीक है? So, इसको add कर लेंगे. Now, 5 plus 5 is 10 and 6 plus 1, 7 plus 4 is 11. So, this is 110 degree. अब यहाँ पे x की value क्या आई है? 110 degree. Now, third part. Again, आपको यहाँ पे भी exterior angle given है. और उसके दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स गिवन है. सो अगेन यू विल डू इट लाइक एंगल एक्स इक्वल्स टू 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री. ठीक है? हर जगह आपको ये प्रॉपर्टी मेंशन करनी है ब्रैकेट में. ठीक है? पूरा लिखने की जगह आप सिर्फ ये भी लिख सकते हो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. ठीक है? नाउ 30 प्लस 40 विल बी 70 डिग्री. सो एंगल एक्स इक्वल्स टू 70 degree. Now let's come to the remaining parts. अब fourth part में आपके पास x, यहाँ पे आपको x की value find करनी है. Similarly fifth and sixth. So आपको इनमें भी x की value find करनी है. Again जो हमारा angle x है वो exterior angle है. So I like the property once again. That is exterior angle equal to sum of two opposite interior angles. ठीक है? So now angle x equals to 60 plus 60. क्योंकि इसके opposite दो interior angles ये हैं. So this is 60 degree plus 60 degree. Fine. And this will give me 120 degree. So मतलब angle x की value आ गई 120 degree. Fifth part में again angle x आपको find करना है. तो angle x क्या होगा? This angle plus this angle, that is 50 degree plus 50 degree. Now 50 plus 50 is 100. So angle x आ जाएगा 100 degree. Then in the sixth part we have, आप देखोगे इस ट्रायंगल की शेप इस तरह से है, but ट्रायंगल हमारे पास ये है और ये उसका एक्सटीरियर एंगल है. तो सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. Angle x equals to 60 degree plus 30 degree. So एंगल एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस 0 इज 0, 6 प्लस 3 इज 9. सो एंगल एक्स इज 90 डिग्री. फाइन. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2.